बिरला हाउस, नई दिल्ली से। मास्टर श्री राम जी लिखते हैं, दिल्ली में अनुमानतः 2-2.5 मास से एक वैष्णव साधु आए हुए थे, जिनका नाम बाबा गोपालदास है। वे यहां पर आर्य निवास नंबर 1 डॉक्टर लेन पर ठहरे थे। छत के ऊपर एक गोल सा छोटा कमरा है, उसी में वे रहते थे। उन्होंने गोपाल का एक चित्र काष्ठ की चौकी पर रख छोड़ा था। उस चित्र के चारों तरफ कनेर के पुष्प चढ़ाए हुए रखे रहते थे। गोपालदास बाबा उस चौकी के पास ही एक दरी पर बैठे तुलसी की माला फेरते थे। जो लोग उनके पास जाते वे भी उसी दरी पर बैठ जाते थे। उनके पास जाने वालों को प्रसाद देने के लिए बाबा जी ईंट के छोटे छोटे टुकड़े, अनुमानतः 4-5 तोले वजन के एक हरे केले के टुकड़े में गोपाल की मूर्ति के सामने आधा मिनट रखकर उठा लेते थे, तो ईंट के टुकड़े सफेद मिश्री के टुकड़ों में बदल जाते थे और वे इन मिश्री के टुकड़ों को उन लोगों को दे देते थे जो उनके दर्शन के लिए जाते। कभी कभी ईंट का टुकड़ा कलाकंद में बदल जाता था। यह अद्भुत परिवर्तन कैसे हो जाता है, सो तो वह बाबा जी ही जानते हैं और किसी को पता नहीं चला है। विज्ञान वेता इस कारण को ढूंढ निकाले तो दूसरी बात है। उक्त बाबा जी के पास जर्मन राजदूत, जापानी राजदूत, लोकसभा के अध्यक्ष श्री मावलंकार, श्री सत्यनारायण सिंह, राय बहादुर लक्ष्मीकांत मिश्र आदि गए थे। इनको भी इसी प्रकार का प्रसाद दिया गया था। जर्मन राजदूत के साथ एक जर्मन महाशय भी थे। उन्होंने तो यह चमत्कार देखकर बाबा जी से अपना शिष्य बना लेने की प्रार्थना भी की। इन दो प्रकार के चमत्कारों के अतिरिक्त 3 चमत्कार विशेष उल्लेखनीय है। पहला चमत्कार तो यह है कि श्री जुगल किशोर जी बिरला ने एक तांबे की चमची को एक केले के हरे पत्ते में लपेटकर अपने हाथ में लिया और बाबा जी के कहने के अनुसार श्री बिरला जी सूर्य के सामने खड़े हो गए। बाबा जी भी पास में खड़े कुछ मंत्र जपते रहे। 2-3 मिनट बाद ही चमची निकाली गई तो सोने की बन गई थी। अभी तक वह चमची श्री बिरला जी के मुनीम डालूराम जी के पास उसी आर्य भवन में रखी हुई है। जो आप सुन रहे हैं इसे मैंने कल्याण से लिया है, तो ये बात बहुत पहले की है। अगर आप थोड़ा रिसर्च करना चाहते हैं, आप इसकी सत्यता के बारे में जानना चाहते हैं, तो सारी जानकारी इसमें दी गई है। आप अगर खोजबीन करेंगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरा चमत्कार यह हुआ कि इस मिश्री के प्रसाद का वृतांत सुनकर एक महाशय ने बाबा जी के पास जाने वालों में से किसी को यह बात कह दी कि हम तो बाबा जी की मंत्र सिद्ध तब माने जबकि वे पूरी की पूरी 1 नंबरी ईंट को मिश्री की ईंट बना दे। ऐसी बात बाबा जी को सुनाई गई तो बाबा जी ने झट कह दिया कि गोपाल जी की कृपा से मिट्टी की ईंट के टुकड़े मिश्री के टुकड़े बन जाते हैं, तो पूरी मिट्टी की ईंट का मिश्री की ईंट बन जाना कौन सी बड़ी बात है। अतएव 18 सितंबर बृहस्पतिवार को रात्रि 8 बजे श्री बिरला जी के तथा कई सज्जनों के सामने 1 नंबरी ईंट मंगाई गई और उसको धो पोंछ कर एक सज्जन के हाथ से कास्ट की एक चौकी पर वह ईंट रखवा दी गई तथा एक केले के पत्ते से उस ईंट को ढक दिया गया। 3-4 मिनट तक बाबा जी कुछ मंत्र जपते रहे, फिर उस ईंट को उठाया गया तो केले के पत्ते में से एकदम श्वेत मिश्री की ईंट निकले। वह ईंट बिरला हाउस दिल्ली में श्री जुगल किशोर जी बिरला के पास रखी हुई है। सो ये दोनों चीजें तो मौजूद हैं, कोई भी देख सकता है। मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि यहाँ पे जो बातें बताई जा रही हैं बिरला हाउस के बारे में बताई जा रही हैं, अगर आप लोगों में से कोई सक्षम है वहां जा सकते हैं तो वहां जाके ना इस बात की पुष्टि अवश्य कीजिएगा। और अभी भी अगर वो वहां पे अवेलेबल है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है तो आप हमें व्हाट्सएप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि अभी अगर ये सब चीज़ें वहाँ अवेलेबल है और देखने को मिलता है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी
और इस चैनल के माध्यम से हम और भी दर्शकों को दर्शन कराएंगे। तो अगर आप लोगों में से किसी का रीच है वहां तक तो कृपया हमें अवश्य इन्फॉर्म कीजिएगा। तीसरी अद्भुत घटना तो मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखी है। उस समय बाबू जिगल किशोर जी बिरला, गायनाचार्य पंडित रमेश जी ठाकुर तथा नवनीत के संचालक श्री श्री गोपाल जी नेवटिया उपस्थित थे। अनुमान दिन से 10 बजे होंगे। उस समय किसी ने बाबा जी से कहा कि एक दिन आपने पानी से दूध बनाया था, परंतु उस दिन प्रभु दयाल जी, हिम्मत सिंह का, माधव प्रसाद जी बिरला आदि जो सज्जन देखते थे उनको संतोष नहीं हुआ था। सो बाबा जी इस प्रकार से दूध बनाए कि किसी को भी संदेह न रहे। इस पर बाबा जी बहुत हंसे और बोले, उन लोगों की श्रद्धा की स्याद परीक्षा की गई होगी। इसके बाद बाबा जी ने कहा, अच्छा एक काठ का पट्टा बाहर रखो और उस पर यह पानी की बाल्टी रख दो। बाबा जी ने जैसा कहा वैसा ही किया गया। बाबा जी ने अपनी चद्दर जो ओढ़ रखी थी वह भी उतार दी और एक कौपीन तथा उस पर एक तौलिया ही रखा और स्वयं दूर खड़े हो गए तथा सबको कह दिया कि उस बाल्टी को एक दफे फिर अपनी आंखों से देख लो। सबने वैसा ही किया। बाबा जी ने एक आदमी से कहा कि तुम इस पट्टे पर बाल्टी के पास बैठकर ओम का जप करते रहो। फिर बाबा जी उस बाल्टी के पास गए और उसमें से कटोरी पानी की भरी और सबको वह पानी दिया गया। सबने कहा यह तो पानी ही है। फिर बाबा जी श्री गोपाल जी की मूर्ति के पास जा बैठे और वह बाल्टी अपने पास मंगा ली। बाल्टी तौलिए से ढक दी गई और एक लाल फूल जो गोपाल जी की मूर्ति पर चढ़ा हुआ था अपने हाथ से बाल्टी में डाल दिया। उसके पश्चात जब तौलिया हटाया गया तब एकदम सफेद दूध देखने में आया। सबको एक एक कटोरी दूध दिया गया। शेष दूध बिरला हाउस पहुंचाया गया जो अनुमानतः 2.5 सेर था। वह दूध गर्म करके जमाया गया और दूसरे दिन उसमें से मक्खन निकाला गया। बाबा जी की ऐसी ही अनेक सिद्धियों का हाल गोस्वामी गणेश दास जी सुनाया करते हैं, परंतु यहां पर तो संक्षेप में इतना ही उल्लेख किया गया है। इन कुछ आश्चर्यजनक बातों को देखकर मन में आया कि विज्ञान वेताओं से विनय पूर्वक निवेदन करूं कि आर्य ऋषियों और मुनियों द्वारा सम्मानित पतंजलि योग दर्शन के सूत्र जैन मासधि मंत्र तप समाधि जा सिद्धय में एक मंत्र सिद्धि भी बताई गई है। मंत्र सिद्धि का चमत्कार देखने का अब तक मुझे कोई अवसर नहीं मिला था, परंतु ये कुछ चमत्कार अपनी आंखों से देखकर मुझे मंत्र सिद्धि में पूर्णतया विश्वास हो गया है। साथ ही एक प्रकार का विस्मय भी उत्पन्न हो गया है। उसी विस्मय के कारण आधुनिक विज्ञान वेताओं से यह निवेदन करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई है कि आप पातंजल योग दर्शन के उपर्युक्त मंत्र में वर्णित मंत्र सिद्धि को मानते हैं या नहीं, और यदि नहीं मानते हैं तो आप भी ऐसे ही चमत्कार अपने विज्ञान द्वारा करके दिखाएं, और यदि आप दिखाने में समर्थ नहीं हैं तो आप अपने अभिमान को त्याग कर भारतीय आर्य शास्त्रों में बताई हुई मंत्र सिद्धि को सहर्ष स्वीकार कर लें, क्योंकि आप तो अपने को बराबर ही सत्य का पुजारी घोषित करते रहते हैं। आशा है बुद्धिमान विज्ञान वेता इन रहस्यों की जांच पड़ताल करके एक निर्णय पर पहुंचेंगे। केवल यह कह देने से कि यह सब निराधार है काम नहीं चलेगा। किसी वस्तु को उसकी पूरी जांच पड़ताल किए बिना ही निराधार कह देना तो बहुत आसान बात है। जो अपने को सत्य का पुजारी कहता हो उसका कर्तव्य है कि या तो इन घटनाओं की जड़ में कोई धूर्तता या वंचना हो तो उसको साबित कर दे, या यह स्वीकार कर ले कि हमको विज्ञान के द्वारा तो इनका कोई रहस्य मालूम नहीं हो सकता। इसलिए योग दर्शन के उस सूत्र में वर्णित मंत्र सिद्धि को ही मानना न्याय संगत होगा। इसे मैंने कल्याण से लिया है। हम सभी को
कल्याण का सब्सक्रिप्शन अवश्य लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। नहीं तो रेलवे स्टेशन पे भी गीता प्रेस का स्टॉल होता है, आप वहां से जाके जो मासिक पत्रिका है जो गीता प्रेस से प्रकाशित होती है उसे आप प्राप्त कर सकते हैं।